नमस्कार, मैं प्रिया धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत में एक दिन में कोविड 19 के 6594 नए मामले आने से संक्रमण में कुल मामलों की संख्या 4,32,36,695 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 50,548 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.12% है, जबकि कोविड 19 से उबरने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर 98.67% है। अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के लिए विपक्षी रणनीति पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस बुधवार को दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से बुलाई गई बैठक में हिस्सा लेगी। खास बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में इस बार एनडीए के पास जीत के लिए पर्याप्त वोट नहीं है। ऐसे में ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई बैठक में कांग्रेस की हामी बड़ा संकेत है। कांग्रेस की तरफ से इस बैठक में वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित प्रदेश पदाधिकारियों की उपस्थिति में बाली ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। दीपक बाली को भाजपा में शामिल कराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाली आप में थे लेकिन वो हमेशा से राष्ट्रवादी रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आपका दो चेहरा है, जो वो दिखावा करती है असल में वो नहीं है। भारत को 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज के पहले 2 मैच में साउथ अफ्रीका के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पहले दोनों मैच में भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार काफी प्रभावशाली नजर आए, जिन्होंने पावर प्ले में टीम के लिए विकेट निकाले हैं। हालांकि उनको बाकी गेंदबाजों का साथ नहीं मिला। कटक में खेले गए दूसरे T20 मैच में भुवनेश्वर ने 13 रन देकर 4 विकेट लिए। अब उनके पास एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच मुंबई में ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए स्वरूप के 4 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इन नए संक्रमितों में 3 केसेस BA.4 के और 1 BA.5 का है। हालांकि ये चारों ही होम आइसोलेशन में रहते हुए ठीक हो गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में इन वेरियंट्स के 13 कन्फर्म केसेस सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी एकदम से पस्त है। शहबाज सरकार चीन, सऊदी अरब जैसे देशों से कर्ज की तलाश में है। इसके साथ ही इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी मदद की आस में है। इस बीच पाकिस्तान सरकार के एक मंत्री ने आम लोगों से चाय की खपत में कटौती करने की अपील की है। भाजपा से निष्कासित नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद से सड़क पर प्रदर्शन से इतर हैकर कई वेबसाइटों को हैक करके बदला ले रहे हैं। हैकर्स अपने संदेश में भारत सरकार से मुसलमानों से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। ताजा घटनाक्रम महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस की वेबसाइट को हैक करने का है। हैकर्स ने अपने संदेश में पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में की गई विवादित टिप्पणी का हवाला दिया है और सरकार से मांग की है कि मुसलमानों से माफी मांगो। देश की थल सेना, वायुसेना और नौसेना में अग्निवीरों की भर्ती वाली अग्निपथ स्कीम का ऐलान रक्षा मंत्रालय की तरफ से कर दिया गया है। मंगलवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में रक्षा मंत्रालय की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में 3 सेनाओं के प्रमुख ने स्कीम का ऐलान किया और जरूरी जानकारी दी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने स्कीम के बारे में बताते हुए कहा कि स्कीम से सेनाओं की औसत आयु कम होगी। अभी तक ये आयु 32 वर्ष थी, जो घटकर 24 से 26 साल की रह जाएगी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को धमकी भरे पत्र देने के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बताया गया है। महाराष्ट्र गृह विभाग के मुताबिक धमकी भरे लेटर में आरोपियों ने मूसेवाला जैसे हाल भुगतने की धमकी दी थी। पत्र भेजने का मकसद को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। कहा है कि लेटर भेजने का मकसद सिर्फ मुंबई में अपनी ताकत बढ़ाना है और बड़े बड़े बिजनेसमैन के मन में खौफ पैदा करना है। पंजाबी सिंगर और कांग्रेसी नेता सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ट्रांजिट रिमांड की पंजाब पुलिस ने अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई सुरक्षित रख लिया। दरअसल तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों आर्म्स एक्ट के एक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कस्टडी में है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने मंगलवार को एयर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। इस जुर्माने के पीछे की वजह बेहद खास है। दरअसल ऐसे मामले सामने आए थे जहां कहा गया था कि यात्रियों के पास वैलिड टिकट होने के बावजूद एयर इंडिया ने उन्हें ओवर बुकिंग होने के चलते यात्रा करने की अनुमति नहीं दी और न ही उस टिकट के बदले कोई मुआवजा दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पुणे के देहू में संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन में सबसे दुर्लभ संतों का सत्संग है। यदि संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो ईश्वर की अनुभूति अपने आप हो जाती है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यहां का जन जन भक्ति से ओतप्रोत है और संत स्वरूप है। पीएम मोदी ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राष्ट्रनायक के जीवन में भी तुकाराम जी जैसे संतों ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में अब अगली सुनवाई 28 जून को होगी। मुख्यमंत्री सोरेन ने अपने वकील के कोरोना पॉजिटिव होने का हवाला देते हुए दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश होने के लिए और अधिक समय मांगा था। आयोग ने आज उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए 14 दिनों का समय दिया है।
भारतीय सेना में भर्ती होने की नई प्रक्रिया अग्निपथ का ऐलान हो गया है। अग्निवीर के तौर पर शामिल होने वाले सैनिक 4 साल तक 3 सेनाओं में अपनी सेवाएं देंगे। थल सेना ने भी नए वीरों के लिए तैयारी कर ली है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि अग्निवीरों को चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। खास बात है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ तनाव जारी है। वायु प्रदूषण देश में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिसके चलते करीब 5 साल तक उम्र घट रही है। अगर वार्षिक औसत प्रदूषण का स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होता है तो सबसे प्रदूषित राज्य दिल्ली में यह आंकड़ा 10 साल पहुंच सकता है। शिकागो विश्वविद्यालय ने ऊर्जा नीति संस्थान का वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक मंगलवार को जारी किया है। देशभर के लॉ कॉलेज में क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम शुरू करने की अपनी योजना के साथ ही आगे बढ़ते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूजीसी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और भारतीय भाषा समिति ने भारतीय भाषाओं में कानूनी शिक्षा प्रदान करने के महत्व और तौर तरीकों पर चर्चा की। भारत में अगले चीफ ऑफ डिफेंस की नियुक्ति को लेकर राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अपनी चुप्पी तोड़ी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में जल्द ही CDS की नियुक्ति की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू करने के बारे में मीडिया को जानकारी दी है और इस दौरान उन्होंने कहा कि CDS की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही CDS के नाम की घोषणा की जाएगी। भारत में इतिहास के पुनर्लेखन की चर्चा आजकल जोर पकड़ रही है। एक बड़े तबके का कहना है कि भारतीय इतिहास के लेखन में वामपंथी विचारधारा ने न्याय नहीं किया है। भारतीय शासकों को बाहरी आक्रांताओं से कमतर बताने की कोशिश की गई है। पिछले दिनों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस मसले पर बयान दिया तो मामले की गंभीरता बढ़ गई। बिहार और केंद्र सरकार में लंबे अरसे से सहयोगी जनता दल यूनाइटेड का इस मसले पर रुख अलग रहा है। राहुल गांधी से ईडी ने करीब 4 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। लंबी पूछताछ के बाद राहुल गांधी ईडी दफ्तर से निकल गए। जानकारी के अनुसार लंच के बाद फिर से पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर उन्हें बुलाया गया था। हालांकि राहुल की पूछताछ के बीच कांग्रेस ने प्रदर्शन जरूर किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया है। इसके पहले सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी अधिकारियों ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। सोमवार को राहुल गांधी से ईडी ने 2 चरणों में पूछताछ की थी। गत रविवार को भारतीय वायुसेना के 114 लड़ाकू विमान अपने बेड़े में शामिल करने की योजना की खबर आई, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इसमें से 96 विमानों को देश में ही बनाया जाएगा। नौसेना पहले ही मेक इन इंडिया के रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है और थल सेना भी पीछे नहीं है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मामले में भारत की प्रगति के पीछे बीते कुछ साल में काफी ज्यादा मेहनत देखने को मिली है। बंगाल में निजी विश्वविद्यालय के विजिटर पद से राज्यपाल को हटाकर शिक्षा मंत्री को नियुक्त करने से संबंधित पश्चिम बंगाल निजी विश्वविद्यालय कानून बिल 2022 विधानसभा में पेश किया गया। शिक्षा मंत्री व्रत्य बसु ने मंगलवार को बिल पेश किया है। बिल पर जब शिक्षा मंत्री ने बोलना शुरू किया तो भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकल गए। सोमवार की देर रात बॉलीवुड की मशहूर फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा की मां का निधन हो गया है। इस जानकारी को फिल्म निर्माता ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर एक पोस्ट साझा करके दिया है। मेकर ने ट्विटर पर अपनी मां के निधन की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि मेरी महान मां 1 घंटे पहले चली गई। मेरी बहन और मैं दोनों ने जाते ही उनका हाथ पकड़ लिया और अब मैं आधिकारिक तौर पर एक अनाथ हूं। सेना में भर्ती का सपना सजो रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। केंद्र की मोदी सरकार ने सेना में रुकी हुई भर्ती को खोल दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ स्कीम का ऐलान कर दिया। इससे सेना में शॉर्ट टर्म सेना में बहाली हो पाएगी। तीनों सेना प्रमुख के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका ऐलान किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने की दिशा में आज सुरक्षा मामलों को संसदीय समिति ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने अगले 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से कहा है कि वो अगले 1.5 साल में मिशन मोड पर 10 लाख लोगों की भर्ती करें। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि और सभी विभागों और मंत्रालयों से मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद मोदी ने यह निर्देश दिया है। झारखंड सरकार ने उच्चतम न्यायालय से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका को सुनवाई योग्य बताने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। फिंच रेटिंग्स ने मंगलवार को कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर 2022 तक ब्याज दरों को 5.9% तक बढ़ा सकता है। फिंच ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के अपने ताजा अपडेट में कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ते बाहरी माहौल, जीन्स कीमतों में बढ़ोतरी और सख्त वैश्विक मौद्रिक नीति का सामना कर रही है। कांग्रेस ने राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को असंवैधानिक करार देते हुए मंगलवार को दावा किया है कि सरकार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष से परेशानी इसलिए है क्योंकि उन्होंने किसानों, नौजवानों, मजदूरों की आवाज उठाई और कोरोना संकट और सीमा पर चीन की आक्रामकता को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा कि जब कोई प्राथमिकी ही दर्ज नहीं है तो फिर पूछताछ के लिए कैसे बुलाया जा सकता है। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले की स्पीति घाटी में दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर है। हिकिम गांव का ये डाकघर
14,567 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर अब बदल गया है। अब तक ये पोस्ट ऑफिस मिट्टी के एक घर में चल रहा था, लेकिन अब इस डाकघर के लिए स्पेशल ऑफिस बनाया गया है। लेटर बॉक्स के आकार का ये कार्यालय अब दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस हिक्किम की पहचान है। बिहार के बाहुबली मोकामा विधायक अनंत सिंह को AK-47 मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मंगलवार को MP-MLA कोर्ट के स्पेशल जज त्रिलोकी दुबे ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए राजद विधायक को दोषी ठहराया। इस मामले में 21 जून 2022 को सजा सुनाई जाएगी। अभी यह फैसला नहीं हुआ है कि उन्हें कितने दिन की सजा होगी। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम पसली में फ्रैक्चर से परेशान है। सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के दिल्ली कार्यालय के बाहर पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पुलिस के धक्का देने के बाद उन्हें चोट लगी है। हालांकि उन्होंने ट्वीट किया कि वो भाग्यशाली है कि केवल एक संदिग्ध हेडलाइन क्रैक हुआ है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है सचिन कुमार, कुणाल कुमार, धर्मेंद्र यादव, प्रिया यादव ऑफिशियल, विक्रम कुमार, मिंटू कुमार, आसिफ वसीम। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतीय टीम में किस खिलाड़ी को संन्यास लेने की जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।